आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज, मैं हूं प्रवीण। बिहार में कई दिनों से जातीय जनगणना को लेकर सियासी गलियारों में गहमा गहमी चल रही थी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जातीय जनगणना कराए जाने पर सभी पार्टियों की सहमति तो बन गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नानुकूल करते हुए भी इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। नीतीश कुमार ने इस मसले पर सबको एकमत तो कर लिया है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सहमति के बावजूद बिहार भाजपा के नेतृत्व में इस मुद्दे पर कई आशंकाएँ जताई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आशंकाएँ जताई है कि जातीय जनगणना का फायदा उठाकर कहीं बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए नागरिकता न हासिल कर ले। देखिए क्या कह रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जातीय आधारित गणना की बात हुई है, सभी दलों ने उसका समर्थन किया है। हम लोगों ने दो शंकाएं रखी कि जब गणना हो तो इस बात पर जरूर ध्यान रखा जाए कि इस रास्ते से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ऐसा नहीं हो कि वह इस गणना में शामिल हो जाएं और उसके बाद इस आधार पर नागरिकता के बारे में वह क्लेम करने लगे, इसका ध्यान रखना। और दूसरा, सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो शेख समाज के हैं, जो कि मुसलमानों में अगड़ी जाति मानी जाती है, वह सिखौरा बन के, कुल्हड़िया बन के और इस तरह से करके वह पिछड़ों की हकमारी का काम करते हैं। अगर सीमांचल में अगड़ी जातियों को पिछड़ों में गिना जाएगा तो इससे पिछड़ों के अधिकार पर बहुत बड़ी हकमारी होगी, और इसलिए यह देखना होगा कि वो जिस उपजाति के हैं उसी उपजाति में रहें, और जिससे कि किसी भी प्रकार की पिछड़ों के प्रति हकमारी गणना में नहीं हो। सभी की बातें मुख्यमंत्री जी ने सुना है, हम सब उनके साथ हैं और सभी ने अपनी अपनी शंकाएं प्रकट की। यह बार बार जो बात होती थी कास्ट सेंसस, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको नकार दिया। यह जातियों के आधारित गणना है और गणना में सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सभी जातियों के सभी तबकों के हेड काउंट कराना चाह रहे हैं तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। पर यह जरूर इसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि जो पिछड़ों में नहीं आते हैं वह समाज, और ख़ास करके सीमांचल में यह बहुत बड़ी विसंगति है कि पिछड़ों में शेख समाज के लोग दूसरे शेखौरा बन के, कहीं कुल्हड़िया बन करके पिछड़ों की हकमारी करते हैं। पिछड़ों के साथ कोई अन्याय नहीं हो यह भी देखना बिहार सरकार का कार्य। जो बांग्लादेशी है सर, उन लोगों को भी गिनती बिल्कुल नहीं होगी। बिहार सरकार के जो नागरिक हैं उन्हीं की जातीय जनगणना हो, इस बात का ध्यान सभी अधिकारियों को और बिहार सरकार को एक मैकेनिज्म बनाना होगा कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इस गणना में नहीं हो। उसको सुनिश्चित कैसे किया जाएगा? यह तो अभी आने दीजिए, अभी तो हम लोगों ने गणना का समर्थन किया है। जो एक इशू था अभी खत्म हो गया है। अभी बिहार सरकार इसके बारे में सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी और जाहिर बात है उस ट्रेनिंग में यह ख्याल रखेगी कि कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गणना इसमें नहीं।